आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसे जानवर के दिल दहला देने वाले हमले जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और 6 फीट की ऊंचाई तक कूद भी सकता है। हम बात कर रहे हैं वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर की, जिसके हमले से हर साल लगभग 7 लोगों की जान जाती है। गंदगी में रहने की वजह से इनसे कई बीमारियां भी होती है जिनमें हेपेटाइटिस ई और ट्यूबरक्लोसिस शामिल है। वैसे तो ये जंगलों में ही पाए जाते हैं लेकिन खाने की तलाश इन्हें शहरों तक खींच लाती है। खासकर यूरोप और एशिया में पाए जाने वाले वाइल्ड बोर्स होते तो शाकाहारी है लेकिन ज्यादा भूख लगने पर ये एनिमल मैटर भी नहीं छोड़ते। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इंसान को भी कच्चा चबा सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये जंगली सुअर अचानक से हमला करने के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से शिकार को पलक झपकने तक का समय नहीं मिलता। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं इस छोटे से दिखने वाले जानवर के सबसे खतरनाक हमले। नंबर 10, डॉग सेव्स ओनर फ्रॉम वाइल्ड बोर। मुसीबत कभी भी बताकर नहीं आती, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जब बीच जंगल में एक इंसान अपने डॉग के साथ शिकार की तलाश कर रहा होता है तो तभी अचानक से एक जंगली सुअर आता है और हमला कर देता है, जिसकी वजह से शख्स जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर आप समझ सकते हैं कि हमला कितनी तेजी से हुआ होगा। जब तक कुछ समझ में आता तब तक बोर शख्स के पैरों पर हमला बोल देता है। लेकिन इस शख्स की किस्मत आज अच्छी थी कि वह अपने साथ अपना पालतू डॉगी भी साथ ले गया था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कुत्ता एक वफादार जानवर होता है और यही चीज यहाँ भी देखने को मिली। घायल मालिक को बचाने के लिए कुत्ते ने पीछे से बोर पर हमला कर दिया और इसी दौरान शख्स उठ खड़ा हुआ, जिसके बाद बिना समय गवाए शख्स ने बोर को अपने घुटनों के बीच दबाकर उस पर काबू पा लिया। नंबर 9, ग्रुप ऑफ बोर्स अटैक्स डॉग। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बोर्स के झुंड ने डॉग पर अटैक करने की लगातार कोशिश की लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि डॉग ओनर डॉग के आसपास था और साथ ही ये एरिया शहर के पास भी था। जंगल में कुत्ते के सामने एक बोर आता है और इसके बाद दोनों जानवर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बीच कुत्ते की आवाज़ सुनकर कई और बोर भी आ जाते हैं। लेकिन इस संघर्ष का कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि ना तो बोर्स डॉग पर पूरी तरह से हमला कर पाते हैं और ना ही डॉग बोर्स पर। अच्छी बात ये रही कि इस पूरी भिड़ंत में किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंची। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बोर्स ने हमला किया क्यों? दरअसल बोर्स तब और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं जब वो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनते हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर 8, मैन वर्सेस वाइल्ड बोर। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा हर बार इंसान या जानवर ही वाइल्ड बोर का शिकार नहीं होते। कई बार ऐसा भी होता है कि पासा उल्टा पड़ जाता है। जब बीच जंगल में शिकार के लिए आया एक शिकारी अपनी बंदूक लिए घूम रहा था, तभी अचानक से वाइल्ड बोर आता है और अपनी पूरी जान झोंक कर शिकारी पर हमला बोल देता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि आज उसकी शामत आई है। बोर जैसे ही शिकारी पर हमला करने जा रहा होता है और जब लगता है कि आज तो शिकारी की खैर नहीं, तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। एकदम लास्ट मोमेंट पर बोर को करीब आते देख जब शिकारी की जान पर बनाती है, तभी वह गोली दाग देता है और निशाना एकदम सटीक बैठता है। और तेज रफ्तार में आते हुए बोर को जैसे ही गोली लगती है, वो हाथ पैर फड़फड़ाते हुए एकदम से जमीन पर गिर पड़ता है और आखिर में तड़पते हुए अपनी अंतिम सांसें लेता है। नंबर 7, वाइल्ड बोर गॉट एंग्री व्हाइल ईटिंग। कहते हैं कि भूखे और सोए व्यक्ति को नहीं छेड़ते, क्योंकि ना जाने वो क्या कर दे। ये बात जानवरों में भी लागू होती है। कुछ ऐसा ही तब हुआ जब इंसान ने खाने की तलाश कर रहे वाइल्ड बोर को कैमरा में कैद करने की कोशिश की। शुरुआत के कुछ सेकंड्स तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जब बोर को इस बात का अंदाजा लगा कि कोई उसे देख रहा है, तो उसने तुरंत ही खाने की तलाश छोड़कर उस इंसान पर हमला कर दिया जो उसे कैमरा में कैद करना चाह रहा था। और उसके बाद जो हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है। आगे से इस इंसान को ये बात याद रहेगी कि खाना खाते वक्त किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, फिर भले ही वह एक जानवर हो या फिर कोई इंसान। नंबर 6, बोर किल्ड बाय गन। एक शिकारी और शिकार के बीच में जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ इस बात पर तय होता है कि हमला करते वक्त ज्यादा सतर्क कौन है। दोनों में जो ज्यादा सतर्क होगा वही बाजी मार ले जाएगा। मान लीजिए अगर शिकारी से उस खास पल में छोटी सी भी गलती होती है तो शिकारी को शिकार बनते देर नहीं लगेगी, लेकिन अगर शिकारी सतर्क है तो जाहिर सी बात है उसका निशाना भी सही लगेगा। इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि बोर जब भागते हुए शिकारी की तरफ आता है और जैसे ही वह
शिकारी पर झपटने की कोशिश करता है, ठीक उसी समय गोली चल जाती है और वाइल्ड बोर पूरी तरह से चारों खाने चित हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मान लीजिए जिस वक्त बोर शिकारी के ऊपर झपटता है, अगर उस वक्त किसी भी वजह से गोली नहीं चल पाती तो उस वक्त क्या होता? शायद शिकारी अपनी जान गवा बैठता, क्योंकि हर वीडियो में शिकारी के साथ तो डॉग नहीं होता ना। नंबर 5, वाइल्ड बोर अटैक्स अ मैन। इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा फिर जंगली सुअर यानी वाइल्ड बोर आपको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जंगल में जब दो दोस्त अपने डॉग्स के साथ घूम रहे होते हैं, तभी अचानक से जंगली सुअर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच दोनों पेट्स जंगली सुअर पर हमला बोल देते हैं। और क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे में हमला बोलते ही दोनों पेट्स और जंगली सुअर चक्कर खाते हुए ढलान में नीचे आ जाते हैं। और जब लग रहा होता है कि मुसीबत टल गई है, तभी अचानक से जंगली सुअर दौड़ते हुए दो दोस्तों में से एक पर हमला कर देता है। तो इसी चीज से आप जंगली सुअर के गुस्से और ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने दो ओपोनेंट रहते हुए भी उसने हमला बोल दिया। मेरा तो यही सुझाव है कि जंगली सुअर को कभी गुस्सा मत दिलाओ। नंबर 4, हंटिंग डॉग्स वर्सेस वाइल्ड बोर। इस वीडियो को देखकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हंटिंग डॉग्स ने वाइल्ड बोर के एरिया में घुसकर उसी का शिकार करने की कोशिश की है, और ये कोशिश लगभग कामयाब हो गई होती अगर बीच में कुत्ते का मालिक ना आया होता। जंगली सुअर वैसे तो बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन जंगल में अगर कोई कुत्ता दिख जाए तो उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वे बेहद ज्यादा खूंखार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ हंटिंग डॉग्स भी कुछ कम नहीं है। चांद से दिखने वाले ये कुत्ते उसी वक्त एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही इनकी नाक जंगली सुअरों की गंध सूंघ लेती है। अब जरा इस वीडियो में गौर फरमाइए। पहले तो ये कुत्ते उनके आसपास घूमते हैं, लेकिन इन सभी कुत्तों में से एक कुत्ता जो कि बहुत ही साहसी होता है, वह अचानक से सुअरों के बीच में जा कूदता है और फिर उनमें से एक को तो नानी याद दिला देता है। पहले तो ये कुत्ता जंगली सुअर के मुंह को दबोचकर उसको दूर तक घसीट ले जाता है और फिर उसकी पूंछ पर बुरी तरह हमला कर देता है। इतना सब होने के बाद भी उसको चैन नहीं मिलता, लेकिन इसी बीच बच बचाव करने के लिए कुत्ते का मालिक आ जाता है और जंगली सुअर का कचूमर बनते बनते रह जाता है। नंबर 3, वाइल्ड बोर किल्ड अ मैन। ये घटना अगर कैमरा में कैद नहीं की गई होती तो शायद ही किसी को इस बात पर विश्वास होता कि एक जंगली सुअर ने कैसे एक तगड़े इंसान को बस एक धक्के में जख्मी कर दिया। अपने काम से वापस लौटते समय एक इंसान जब रोड पार कर रहा था, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक जंगली सुअर उसके पैरों पर हमला कर देता है। सुअर के अचानक और भयानक हमले से वो शख्स औंधे मुंह सड़क पर गिर जाता है, लेकिन वो जंगली सुअर रुकने नहीं वाला है, वो लगातार हमला करता ही जाता है। मुझे तो उस आदमी की हालत के बारे में सोचते हुए भी डर लग रहा है। नंबर 2, वाइल्ड बोर ऑन अ पेट्रोल पंप। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक जंगली सुअर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले सभी स्टाफ को परेशान कर रहा है, ये घटना सुल्तानपुर शहर के पेट्रोल पंप की है, जहां पर एक जंगली सुअर अचानक से आ जाता है और वहां मौजूद लोगों पर हमले कर देता है। सबसे पहली बारी उसी व्यक्ति की आती है जिसके हाथ में एक लोहे का रॉड है। जंगली सुअर सबसे पहले शख्स के पैरों पर हमला करता है, वो भी एक बार नहीं बार बार। हालांकि कुछ देर बाद जब कर्मचारी को लगता है कि सुअर ने उसे बख्श दिया, तो वो एक बार फिर परेशान करने आ जाता है। इस बार सुअर पूरे पेट्रोल पंप में हंगामा मचा देता है और सबका वहां खड़ा रहना मुश्किल कर देता है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन ये वीडियो अपने आप में बेहद मजेदार नजर आता है। नंबर 1, वाइल्ड बोर वर्सेस पुलिस। कानून हाथ में लेना, ये बात तो हम सभी ने सुन रखी होगी, लेकिन ये कहावत सिर्फ इंसानों पर ही लागू नहीं होती, जिसका सबूत है ये वीडियो। दरअसल हुआ यूं कि पुलिस की नींद तब उड़ गई जब सड़क किनारे एक जंगली सुअर होने की खबर मिली। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को क्या पता था कि आज उनका सामना बेहद उत्पाती सुअर से होने वाला है। अधिकारियों ने पहले तो जंगली सुअर को बहुत ही हल्के में लिया, जैसे बाकी जानवरों को पकड़ते हैं, वही टेक्निक यहां भी अपनाई गई। जाल में फंसाने से लेकर पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जंगली सुअर किसी के भी हाथ नहीं लगा। फिर जब बात करो या मरो स्थिति पर आई, तो सभी ने अपना बल और बुद्धि दौड़ाई और जंगली सुअर को पकड़ने में अपनी जान लगा दी। आखिर में जंगली सुअर पकड़ में आ ही गया। भले ही सुअर पकड़ा गया, लेकिन पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को ये वाक्य लंबे वक्त तक याद रहेगा। चलिए
डेंजरस वाइल्ड बोर अटैक्स का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा अटैक सबसे ज्यादा खतरनाक लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए।